पुलवामा आतंकी घटना के खिलाफ देश भर में आक्रोश, राज्य में घलोक जगह जगह शहीद वीर जवान मन ला देह गई श्रद्धांजलि। 14 फरवरी के होए सेना ऊपर आतंकी हमला में शहीद हुए वीर जवान मन ला देश के संगे संग राज्य भर में देह गई अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि सभा कर और कैंडल मार्च निकाल के जवान मन ला श्रद्धांजलि देह गई और आतंकवादी मन के घिनौना कृत्य के कड़ा निंदा करे गई। राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक में भाजपा कार्यकर्ता मन सहित जवान मन ला 2 मिनट मौन रख के श्रद्धांजलि अर्पित करिन और घटना के करारा जवाब देह के संकल्प लिहिन। उन्हें राज्य भर के अलग अलग हिस्सा में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन करे गई। इस प्रकार आतंकवादी गतिविधियों का शिकार हुआ निश्चित रूप से पूरे देश में उबाल है, पूरे देश में आक्रोश है, समाज के सभी वर्ग इससे नाराज है और प्रधानमंत्री जी ने इसका स्पष्ट संकेत भी दिया है जिसका समुचित जवाब दिया जाएगा। खून का एक एक कतरे का जवाब और हिसाब लिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान और आतंकवादी गतिविधियों में लगे हुए लोग जीवन भर याद रखेंगे। तो उन जवानों के प्रति मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए इस दुख की घड़ी में उन परिवारों के साथ पूरा देश है, पूरे देश की 125 करोड़ जनता है, ये बताना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को हम लोग पूरे भाटापारा के नगर के युवा मिलकर कर रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर में हमारे जो भारत के वीर सपूत शहीद हुए हैं पुलवामा में, उसमें इसके विरुद्ध में हमने पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान का पुतला दहन किया है और आतंकवाद के खिलाफ हमने पुतला दहन किया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश के वीर शहीद जवान सपूत जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को और उनके रिश्तेदारों को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति जलने की भगवान से कामना करता हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो अपनी सरकार है ये जो आतंकवाद का जो भी मतलब गतिविधियाँ जो अभी तक के जो हो रहा है और इसको मतलब सरकार इसमें कठोर निर्णय ले और इसमें अंजाम लगाए और भारत के हित में आगे काम करे। पाकिस्तान अभी भारत पे जो अघोषित जो किया है युद्ध और हमारे 42 जवान मारे गए हैं और शहीद हुए हैं, तो इसके विरोध स्वरूप हमने ये कैंडल मार्च किया है। और उसमें हम लोग जो पाकिस्तान कायराना हरकत किया है उसमें हम लोग जो आए दिन हमारे नेता लोग जो बोलते हैं ना देख रहे हैं देखेंगे, तो देखेंगे वाली बात को अब ख़त्म करते हुए बदला की राजनीति करें और हो सके तो पाकिस्तान से पूरी तरह बदला लें। और जैसा कि अभी ज्ञात हुआ है कि सैनिकों को छूट कर दिया गया है, सैनिक को यदि पहले भी छूट कर दिया गया रहता तो ये हमारे जो वीर जवान मारे गए हैं शहीद हुए हैं कितने घर बर्बाद हुए हैं कितने बच्चों के अभिभावक चले गए हैं।